नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने सवाई माधोपुर में स्वामी श्री शिवानंद जी महाराज के निर्वाण दिवस के कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, राजस्थान जैसी योजनाएं पूरे देश में कहीं नहीं। राजस्थान विधानसभा में 11 जनवरी से शुरू होगा पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष करेंगे उद्घाटन। पाली के रोहट में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का सोमवार को हुआ समापन। सर्वश्रेष्ठ राज्य के पुरस्कार के साथ राजस्थान रहा अव्वल। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत मंगलवार को सवाई माधोपुर जिले के दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री ने बौली उपखंड के भेडोरी गांव में स्वामी श्री शिवानंद जी महाराज के 15वें निर्वाण दिवस के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने स्वामी श्री शिवानंद जी महाराज को याद करते हुए कहा कि स्वामी जी ने आध्यात्मिक शिक्षा के प्रचार के साथ ही सामाजिक कुरूतियों को दूर करने में अपना योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि राजस्थान जैसी योजनाएं पूरे देश में कहीं नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी बजट में राज्य की योजनाओं को और मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने स्वामी श्री शिवानंद जी महाराज के निर्वाण दिवस पर भेडोली बामनवास में मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की खुशहाली की कामना की। वहीं मुख्यमंत्री ने भेडोली बामनवास में सभास्थल पर श्री नित्यानंद महाराज से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। उनको माला इस दौरान मुख्यमंत्री श्री गहलोत का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भी सभी से बड़ी आत्मीयता से मुलाकात की। पाली के रोहट में 4 जनवरी से शुरू हुई 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का सोमवार को समापन हुआ। जम्बूरी स्थल पर बने मुख्य स्टेडियम में समापन समारोह के दौरान मिनी इंडिया की झलक दिखाई दी। जम्बूरी मैदान को देखकर लगा कि मानो पूरा हिंदुस्तान यहां सिमट आया हो। समापन समारोह में सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब राजस्थान के नाम रहा। आयोजन में सम्मिलित हुए 52 राज्यों में राजस्थान अव्वल स्थान पर रहा। जम्बूरी में सोमवार सुबह से शुरू हुई नियमित गतिविधियों और एडवेंचर एक्टिविटीज में भी स्काउट और गाइड्स ने अपार उत्साह दिखाया। आपको बता दें कि इस पूरे आयोजन के दौरान राजस्थान ने कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए, जिनमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में सबसे बड़े अस्थाई स्टेडियम और यूनिफॉर्म में सर्वाधिक छात्रों द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को लिए गए शपथ आदि कई रिकॉर्ड्स बने। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली ने जम्बूरी में लगाई गई राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी का भी सोमवार को अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार प्रसार में राजस्थान विकास प्रदर्शनी मील का पत्थर साबित हुई। राज्य सरकार की योजनाओं से लाखों लोगों को लाभ मिल रहा है। राजस्थान विधानसभा में 83वें पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 11 जनवरी से शुरू होगा। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चाएं होंगी। इस सम्मेलन का उद्घाटन उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला करेंगे। वहीं मंगलवार को राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला और राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश से मुलाकात की और दुपट्टा पहनाकर उनका अभिवादन किया। आपको बता दें कि राजस्थान को इस सम्मेलन के आयोजन का मौका 11 साल बाद मिला है। राजस्थान में पीठासीन अधिकारियों का यह चौथा सम्मेलन है। होमगार्ड के 3842 पदों पर नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी 12 जनवरी से 11 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास और न्यूनतम आयु 18 वर्ष, साथ ही अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी जरूरी है। सो जस्ट बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।